महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी एक्शन में आ गई है। बीजेपी अब बाजी पलटने की तैयारी कर रही है। बीजेपी और शिंदे गुट सरकार बनाने के लिए तैयार है। आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी और शिंदे गुट को मिला दे तो सरकार बन सकती है। लेकिन इस बीच अब महाराष्ट्र सरकार में जारी सियासी संकट का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर रोक लगा दी है। शिंदे गुट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ खुद अविश्वास का प्रस्ताव है तो वो कैसे किसी दूसरे को अयोग्य ठहरा सकते हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी और बागी विधायकों को मिलाकर बहुमत है तो बीजेपी फ्लोर टेस्ट कराने के बजाय डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल के पीछे क्यों पड़ी है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर का पद पिछले 9 महीने से खाली है। संविधान के मुताबिक डिप्टी स्पीकर नरहरि झिरवाल स्पीकर का काम देख रहे हैं। नरहरि एनसीपी के विधायक हैं। शिंदे गुट 24 जून को ही संविधान के अनुच्छेद 179 के तहत डिप्टी स्पीकर को पद से हटाने का नोटिस दे चुका है। ठीक इससे एक दिन पहले शिवसेना ने डिप्टी स्पीकर को 12 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका दी थी। इस आधार पर देखें तो शिंदे गुट की रणनीति काफी हद तक साफ नजर आ रही है। शिंदे का पहला मकसद नरहरि झिरवाल को डिप्टी स्पीकर की कुर्सी से हटाकर उनसे स्पीकर की ताकत छीनना है। इसके लिए शिंदे गुट को पहले 14 दिन नोटिस देना होगा, जिसकी शुरुआत वो 4 दिन पहले कर चुके हैं। इसके फौरन बाद ही ये गुट डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पारित कराना चाहता है। इसके लिए शिंदे को महाराष्ट्र विधानसभा के कुल मौजूदा 287 विधायकों में 144 विधायक चाहिए। अभी जो नंबर है उसके हिसाब से शिंदे गुट और बीजेपी की साझा ताकत 168 है, यानी 144 के जरूरी आंकड़े से 24 ज्यादा। अगर शिंदे गुट अपनी इस रणनीति में कामयाब रहा और उद्धव ठाकरे डिप्टी स्पीकर को बचा नहीं पाए तो लोकतांत्रिक रवायत के मुताबिक उन्हें इसी मौके पर इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं डिप्टी स्पीकर के हटते ही शिंदे अपने गुट या बीजेपी के सीनियर विधायक को विधानसभा स्पीकर बनवा लेंगे। अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते हैं तो इसके तुरंत बाद शिंदे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और इस तरह उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ सकता है और अघाड़ी सरकार भी गिर जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी और शिंदे गुट के पास संख्या बल पहले से ही मौजूद है और राज्य में बीजेपी गठबंधन की सरकार एक बार फिर बन जाएगी। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।